हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंसेज का एसएसटी का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन वेयर व्हेन व्हाट एंड हाउ या कह सकते हैं कि आवर पास्ट, जो हमारा अतीत, जो हमारा भूतकाल जो बीत चुका है उसके बारे में आज आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये चीज़ मैं और बता दूं, आप लोग क्लास फिफ्थ पास करके सिक्स्थ में आए हो, अब सिक्स्थ क्लास में आने के बाद एसएसटी की स्टडी थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाती है, हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग और सिविक्स सोशल पॉलिटिकल का थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप लोगों को तीन पार्ट में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो भी आप लोगों के लेसन आएंगे वो तीन पार्ट में आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन वेयर व्हेन व्हाट एंड हाउ आर नोइंग आवर पास्ट ये लेके चल रहा हूँ मैं। अब देखिए, अगर आप लोगों से मैं पूछूँ कि आपके पिता के पिता के पिता के पिता क्या थे, कैसे थे, क्या आप बता पाओगे? आज से 400 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, आज से 4000-5000 साल पहले परिस्थितियाँ कैसी थी, लोग कैसे थे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की स्टडी करते हो या करोगे तो उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। हिस्ट्री क्या है? घटनाओं का, इवेंट्स का, जो भी इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कहीं ट्रीटी हो, या बड़े बड़े राज्यों का, साम्राज्यों का राइज एंड फॉल हो, या बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन का राइज एंड फॉल हो, उनका बनना, उनका ख़त्म होना, ये सारी चीज़ें हम लोग जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, जिनकी स्टडी करते हैं, इवेंट्स के बारे में जो जानते हैं, वही हिस्ट्री है। उसको डिस्क्राइब करना, यही तो इतिहास है। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, एक इंग्लैंड का इतिहासकार है ई.एच. कार, उसकी बड़ी मोटी किताब है, वो इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों में है। उसने लिखा है व्हाट इज हिस्ट्री, थोड़ा आप लोग बड़े हो जाना, उस किताब को जरूर पढ़ना। आमतौर से लोग इतिहास को कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन नहीं, अपने बीते हुए चीज़ों के बारे में जानना ये इतिहास है। आपको अशोक के बारे में न पता हो, आपको गौतम बुद्ध के बारे में न पता हो, आपको अपने देश के बड़े बड़े वीरों महाराणा प्रताप के बारे में न पता हो, शिवाजी के बारे में न पता हो, गांधी जी के बारे में न पता हो, आप प्रेरणा किससे लोगे? तो उन चीज़ों के बारे में जानना, उसका इंटरप्रिटेशन करके लिखना, यही तो इतिहास है, यही इतिहास है। अब हिस्ट्री को जानने के लिए कई सारे सोर्सेस अपनाए जाते हैं कि हेल्प ली जाती है, तो उसमें सबसे पहले सोर्सेज में, सोर्सेज मतलब होता है स्रोत, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं मैं आपको ये बता दूं। देखो आर्कियोलॉजी की हिंदी है पुरातत्व, जो चीज़ें पहले की बीत गई हैं उनकी वो कहीं से मिले, उनसे हमको जानकारी मिले। अब देखो दो तीन चीज़ें हैं, आप लोग देखो कोई भवन बहुत ज़्यादा पुराना हो, खंडहर हो गया हो, अगर आप लोग उसकी ईंटें देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो ईंटें, उन ईंटों की साइज, उनका आकार ही अलग है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग बिल्डिंग्स, रूइन ऑफ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, पॉटरी, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स,
वीपन्स, स्कल्पचर और पेंटिंग, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसमें फॉसिल्स का भी आ जाता है, फॉसिल्स वगैरह से भी हमें बहुत सारी। अब आप सुनोगे फॉसिल्स क्या है, तो शॉर्ट में बता दूं कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर कभी दब गई, जल में दब गई, अब वो पत्थरों के साथ वो सॉलिड रूप में निकलती हैं, जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चले, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये फॉसिल्स हैं। अब मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, कभी आप लोग सारनाथ गए हो, जो लोग गए हैं देखें ठीक है, नहीं गए भी ठीक है, नालंदा के बारे में, तक्षशिला के बारे में, सांची के बारे में, आप जाओ देखो सारनाथ में पुरानी पुरानी ईंटों से बनी हुई बिल्डिंगें जो ध्वंसावशेष हैं वो पड़ी हुई हैं। नालंदा में जाके देखो, उस समय के राजा महाराजाओं ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी उस समय में, जो आज रुइन अवस्था में हैं, ध्वंसावशेष अवस्था में हैं। इन चीज़ों से हम लोग को उस समय के बारे में पता चलता है। बहुत सारी मूर्तियाँ जमीन में गड़ी हुई निकलती हैं, खोद के निकालते हैं लोग, टूट फूट भी जाती हैं। सिक्कों के बारे में, उसमें जो सिक्के ढाए जाते थे, सोने के चीज़ें सिक्के, चांदी के सिक्के, उनसे राजाओं के बारे में, उनके विस्तार के बारे में, व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था उनके बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। अशोक का, अशोक के सांची में स्तूप हैं, लौह स्तंभ है, इनसे आप जानकारी ले सकते हो। दिल्ली में तो इतना बड़ा स्तंभ है लौह स्तंभ, जहाँ आज तक जंग ही नहीं लगी, बताओ उस समय कितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस रही होगी। आज हम लोहा बाहर रखते हैं, 6 महीने में जंग लग जाती है, उस इतने 2275 साल का, समझिए सर, 2,000 साल से ऊपर की चीज़ें पड़ी हुई हैं धूप में, गर्मी में, बरसात में, आज तक उसमें जंग नहीं लगी, कितनी साइंटिफिक। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता चलती हैं, पत्थरों में खुदाई करके लिखी हुई हैं, सिक्कों से पता चलता है। व्यापार करने के लिए लोग बाहर जाते थे, बाहर से लोग आते थे तो वहाँ के सिक्के पाए जाते हैं, वहाँ के सिक्के यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मॉन्यूमेंट्स का लें तो राजाओं के महल, पैलेसेस, टॉम्स, टेम्पल्स, स्तूप, ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, आजकल तो हो गया लिटरेरी रिसोर्सेज। लिटरेरी का मतलब होता है जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो लिटरेरी रिसोर्सेज। उस समय भी, उसके बाद के समय भी लोग कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते रहते थे, वो हमें कहीं ना कहीं से मिलती रहती हैं। जैसे रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं, रिलीजियस एंड सेकुलर, रिलीजियस रिसोर्सेज एंड सेकुलर रिसोर्सेज। रिलीजियस रिसोर्सेज में धार्मिक चीज़ें आती हैं, जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, बौद्ध धर्म के जातक, त्रिपिटक, जैन धर्म के अंगाज, ये जितने हैं ये सब के सब लिटरेरी रिसोर्सेज हैं। लिटरेरी में रिलीजियस रिसोर्सेज हैं जिनसे हमको उस समय के बारे में सारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब दूसरा है सेकुलर रिसोर्सेज। सेकुलर रिसोर्सेज में कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनका धर्म से मतलब नहीं है, जैसे हर्षचरित, हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा है, हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा है। इसमें हर्षवर्धन के समय के बारे में है। उसके बाद कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास ने लिखी है। अब कालिदास ने कैसा नाटक भी लिखे हैं, मेघदूतम, कुमार संभवम, तो लेकिन इसको मैंने सोचा है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा,
जिन्होंने अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र लिखी थी, कौटिल्य ने, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अब यह है तो अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र नहीं, पूरा राजनीति शास्त्र है, इसका अर्थ से कोई मतलब नहीं है। और ये अशोक के समय की बात है, सोचो 2500 साल पहले की लिखी हुई चीज़ें, ये सब जो है सेकुलर रिसोर्सेज हैं। उसके बाद ऐसी बहुत सारी ये किताबें मिल जाएंगी जिनसे हमें उस समय के राजाओं के बारे में पता चलता है, राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, ये सब चीज़ों के बारे में हमें इन रिसोर्सेज से पता चलता है, रिलीजियस और सेकुलर रिसोर्सेज के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें हैं बता दूं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, कुछ रिसोर्सेज और भी हैं जो बाहर के ट्रेवलर्स आए हैं, ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स बोलते हैं यात्रियों को, जो यात्री बाहर से आए हैं उन लोगों ने भी अपने समय की यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ की दशाओं के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था, वो एक यूनानी या ग्रीक का था, उस समय की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक बुक में उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और सामाजिक दशा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए आते थे, उसमें फाहियान, चीनी यात्रियों में दो आते हैं, फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान एंड ह्वेन, ह्वेनसांग, ये दो ऐसे चाइनीज पिलग्रिमेज हैं, चाइनीज पिलग्रिम्स हैं फाहियान एंड ह्वेनसांग। ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, बुद्धिज्म की जानकारी के लिए भारत में आए थे। इन लोगों ने अपने अपने नोटबुक्स में, अपनी पिंडारियों में उस समय की भारतीय दशा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ये कई सारे रिसोर्सेज हैं। अब चूंकि आप लोग एंशियंट हिस्ट्री के हो, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के बारे में बता दूं। क्रोनोलॉजी क्या होती है? देखो, क्रोनोलॉजी जो है ये समय को दिखाने का एक तरीका है। जैसे अब हम समय की शुरुआत कब से माने, ये क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को इनके बर्थ को स्टार्टिंग मानी जाती है, बर्थ इसको स्टार्टिंग मानी जाती है। इनके पहले के समय को BC लिखा जाता है और इनकी मृत्यु के बाद इनके समय को AD लिखा जाता है। बीच का कुछ साल है उनका जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उसको 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के बाद का समय। अब आजकल तो एक नया तरीका आ गया है, अब BC लिखते हैं, BCE लिखते हैं और यहाँ ACE लिखते हैं। अब मैं बता दूँ, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा,
ये कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर कॉमन एरा, ये चीज़ें चलती हैं। अब किताबों में ये लिख के आता है, देखो जैसे मान लो आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हो, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्राइस्ट से 324 BC उसका समय था, अशोक का 273 BC समय था, ये अशोक का टाइम था। मतलब क्राइस्ट से मान लो ए BC है, BC से 100 ईयर्स एगो, 200 ईयर्स एगो, 273 ईयर्स एगो, 324 ईयर्स एगो। ईसा मसीह से पहले, तो उन चीज़ों को बताने के लिए डेट्स को हम लोग BC लिखते हैं या BCE लिखते हैं, लेकिन ईसा मसीह के बाद के समय को अगर मैं ये कहूँ, इस समय 2020 चल रहा है, 2020 AD या 2020 ACE, इसका मतलब है कि ईसा मसीह की मृत्यु हुए 2020 साल हो गए। तो हिस्ट्री को डेट्स में डिनोट करने का जो तरीका है उसको क्रोनोलॉजी कहा जाता है, और लगभग ये चीज़ें यही हैं। आप लोगों के क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है, 7th में मेडिवल हिस्ट्री है, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, 8th में आप लोग जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ब्रिटिश पीरियड का आता है, लेकिन 6th क्लास में स्पेशली आप लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ोगे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखो, आप लोगों का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री का, लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं अगला वीडियो भी डाल सकूँ। थैंक यू एवरी